ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। बंधुओं, अब हम सब के बीच में एक नया ऐलान पूरे देश के सामने है, महामस्तकाभिषेक 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव स्वामी का। बहुत ही सुंदर भजन आप सब ने अभी देखा और वीडियो भी देखा, और इस वीडियो और भजन को सुनकर के निश्चित रूप से आपके मन में कुछ न कुछ गुदगुदी जरूर हुई होगी कि हम भी एक बार भगवान ऋषभदेव के समक्ष जाएं और उनके सिर से मस्तक से 6 साल में होने वाले इस मस्तकाभिषेक को अवश्य करें। मस्तकाभिषेक कहाँ इसलिए जाता है, वरना तो चरणाभिषेक रोज ही होता है, लेकिन मस्तकाभिषेक कहा जा रहा है इसका मतलब मस्तक से जब भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिल जाए तो वो हमारे लिए महामस्तकाभिषेक है। और ऐसे 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव स्वामी का ये 6 साल में ही एक बार अवसर प्राप्त होगा पूरी जैन समाज को। मैं भी चाहूं या स्वामी जी भी चाहें कि मुझे जाकर ऊपर से भगवान का अभिषेक करना है, तो हमारे कमेटी का, माता जी का आदेश नियम ऐसा है कि 6 साल में एक बार पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अभिषेक हम सब करेंगे। तो बंधु, वो क्षण, वो अवसर, वो स्वर्णिम घड़ियां हम सब के बीच में है। 15 जून से 30 जून तक आने वाला है भगवान ऋषभदेव स्वामी का 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या आप नहीं चाहेंगे? माउंट एवरेस्ट पर जाने की इच्छा तो हम रखते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाकर देखें कैसा दिखता है। हम हवाई जहाज में जाकर देखते हैं नीचे की तरफ कि देखें ये दुनिया कैसी दिखती है। क्या आप 108 फुट के भगवान ऋषभदेव स्वामी के मस्तक अभिषेक के लिए सबसे ऊपर पहाड़ पर जाकर चढ़कर अभिषेक करने की इच्छा नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। आपको भी अपने परिवार से एक कलश आरक्षित करना है और भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक में आने का प्रोग्राम अभी से बना लेना है। तो बंधुओं, खुशियां छा रही हैं चारों तरफ, और हमारे बीच में लखनऊ से अर्पिता जैन यहाँ पधारी हैं, वो भी मन में बहुत सारी खुशियां लेकर आई हैं। सौधर में इंद्राणी हैं जो इस महामस्तकाभिषेक में आकर के वहाँ अभिषेक भी करेंगी, और उनके साथ में हमारे अध्यात्म भाई सराफ जो लखनऊ से आए हैं, ये सब परिवार भी भगवान के अभिषेक के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो आइए, हमारे अर्पिता जी के मन में कैसे खुशियां छा रही हैं हम देखते हैं भगवान ऋषभदेव की भक्ति में। और आज गुरुमा पूज्य गणनीशी ज्ञानमती माता जी, आरिकाशी चंद्रामती माता जी और पीठाधीश स्वामी जी के चरणों में वो अपनी विनयांजलि किस प्रकार से अर्पित करती हैं, आइए देखते हैं सुंदर सा भजन नृत्य। Thank you.
ये तो बंधुओं आप सबने देखा, श्रीमती अर्पिता जी जो लखनऊ से हमारे बीच में पधारी, उनकी मन की खुशियाँ, भक्ति और किस प्रकार से शहनाई की आवाज़ ज़्यादातर हम सुन नहीं पाते, लेकिन महाराष्ट्र में ये इसको तुरई बोलते हैं और ये महाराष्ट्र का विशेष वाद्य है। जब भगवान ऋषभदेव का महामस्काभिषेक हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर ये शहनाई अवश्य आती है और ये पिपरी बजती है और गूंज उठती है, उद्घोष होता है महामस्तकाभिषेक का, महामहोत्सव का, जन्म उत्सव का। तो आज हमारे बीच में इन्होंने तो अपनी खुशियां मना ली, लेकिन अब अध्यात्म जैन जी भी हैं जो लखनऊ से पधारे हैं, वो भी अपने मन की खुशी का इजहार किस प्रकार से करना चाहते हैं गुरु माँ के चरणों में, वो यहाँ पर पाद प्रक्षाल करके हम सबके बीच में समर्पित कर रहे हैं। उनकी भावना है कि मैं आज आया हूँ तो मेरी धर्मपत्नी अर्पिता ने तो नृत्य करके भक्ति कर दी, लेकिन मैं किस प्रकार भक्ति करूं, तो वो यहाँ पूज्य गुरु माँ का, पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी का यहाँ दूध और जल से पाद प्रक्षाल करके अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। और इनकी भावना है कि मैं बड़ी माता जी के साथ आज छोटी माता जी और स्वामी जी का भी पाद प्रक्षाल करूं, और उसका कारण क्या है, तो कह रहे हैं छोटी माता जी का अभी 2 दिन पहले ही जन्मोत्सव हम सभी ने मनाया था, उस दिन वो लखनऊ में थे, यहाँ नहीं थे। तो उनकी भावना है कि मैं पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी का भी पाद प्रक्षाल करूँ, उनके जन्म जयंती की जन्म दिवस की उन्हें बधाइयाँ दूँ, उनसे आशीर्वाद लूँ। और अभी 2 दिन बाद आने वाला है पूज्य पीठाधीश स्वामी जी का जन्म दिवस, बंधु शुद्ध पंचमी है 4 तारीख को, 4 जून को। तो ये ऐसी महान विभूतियाँ हैं तीनों ही, पूज्य ज्ञानमती माता जी हों, पूज्य चंद्रामती माता जी हों, स्वामी जी हों। ये त्रिवेणी का संगम एक ऐसा ही संसार को मिला है, समाज को मिला है, जिनके संगम में यदि हम सब लोग गंगा स्नान की तरह डुबकी लगा लें तो निश्चित रूप से हमारा भव का पार होना निश्चित हो जाता है, हमारा जीवन सुधर जाना निश्चित हो जाता है। और हमारे ऐसे इन त्रिवेणी के संगम के कारण ही आज हमको देश में इतनी बड़ी बड़ी निधियाँ प्राप्त हुई हैं। 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा इन्हीं तीनों के कर्तृत्व का, परिश्रम का, साधना का एक परिणाम है कि जिस प्रकार से आज हम ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में इस भगवान ऋषभदेव प्रतिमा को देख रहे हैं। बंधुओं, ये पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी और स्वामी जी का ये पाद प्रक्षाल हम सबके लिए मंगलकारी हो, अध्यात्म जी के लिए मंगलकारी हो, और हम सबके मन में गुरु भक्ति इसी प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद से ही मार्ग मिलता है, सच्चा मार्ग मिलता है, और सच्चे मार्ग को प्राप्त करके ही हम मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी का जन्मदिवस शुद्ध पंचमी को, ये 4 जून आने वाला है, तो आइए उनके जन्मदिवस के पूर्व बेला में ही आज हमारे अध्यात्म जी पूज्य स्वामी जी का पाद प्रक्षाल कर रहे हैं। ऐसी भक्ति हम सबके मन में भी रहे, समाविष्ट रहे, और हम ऐसे शुद्ध पंचमी का पर्व है जब 4 जून को हम सब श्रुत आराधना भी करेंगे, माँ सरस्वती की आराधना भी करेंगे, और उसी दिन पूज्य स्वामी जी का जन्मदिवस भी समाज को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जन्मदिवस को मनाएंगे आज उनके जन्मदिवस की पूर्व बेला में यहाँ हमारे अध्यात्म भाई जो बहुत ही पुण्यवान जीव हैं, बहुत ही एक अपने मन में धर्म के प्रति आस्थावान जीव हैं, ऐसे अध्यात्म भाई इन्होंने आज यहाँ पर तीनों का पाद प्रक्षाल किया। और इन्हीं परिवार की तरफ से भगवान भरत स्वामी जो कनॉट प्लेस दिल्ली में हम सबके बीच प्रतिष्ठापित हुए हैं अभी विगत वर्ष में, तो वो अध्यात्म भाई जी का ही परिवार है जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। आइए इसी के साथ एक माता जी के प्रति अर्घ यहाँ पर समर्पित करना चाहेंगे हमारे अध्यात्म जी, पूज्य माता जी का अर्घ समर्पित कराते हैं। पिचिकमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं, युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, गुरु माँ जय जय जय, गुरु माँ जय जय जय। ओम रीम भारत गौरव दिव शक्ति,
गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि शुद्ध गायिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नर प्रत्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय बोलिए 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के लिए ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञाशमी आरिका श्री चंद्रामती मात्रे नर प्रत्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जैसा कि विभिन्न साधनों से पारस चैनल के माध्यम से पोस्टर के माध्यम से और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पूरी जैन समाज को पूरी दिगंबर जैन समाज को ज्ञात हो चुका है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक 15 जून से 30 जून तक होने जा रहा है। वे परिवार सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें इस अवसर पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये क्षण जीवन में बार बार नहीं आते हैं। 6 वर्ष में एक बार यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आगे 6 वर्ष पुनः सन 2028 में आएगा। इसलिए सभी भक्तों को सभी परिवारों को बराबर यही प्रेरणा देना है, सभी भक्तों को आकर के कलश अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करना है। कुछ तारीखें सुनिश्चित की जा चुकी हैं। 15 तारीख को प्रथम कलश महामस्तकाभिषेक का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक का सबसे पहला कलश गाजियाबाद निवासी श्री जम्बू प्रसाद जैन परिवार को प्राप्त हो रहा है, जो पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के अनंत भक्त हैं, अनेक संस्थाओं से संबंधित हैं तथा देव सात गुरु के परम भक्त हैं, श्रेष्ठी हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए हमेशा धर्म कार्यों में अग्रसर रहते हैं। ऐसे भाई जम्बू प्रसाद जी के लिए पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारे ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख को प्रथम कलश के साथ जिन्होंने 15 तारीख आने का सुनिश्चित किया है वे भक्तगण भी वहां पर अभिषेक करेंगे। 16 तारीख को पैठण जैन समाज औरंगाबाद जैन समाज अभिषेक के लिए आएंगे और उसमें प्रथम कलश श्री संजय पन्नालाल पापरीवाल परिवार को प्राप्त होगा। 17 तारीख को नासिक महाराष्ट्र से अभिषेक करने के लिए भक्तगण आएंगे और उसमें प्रथम कलश श्री राजा भाऊ पाटनी, श्री महावीर पाटनी और श्री शीतल पाटनी परिवार को प्राप्त हो रहा है। 18 तारीख को इंदौर के लिए सुनिश्चित किया गया है। इंदौर से लगभग 1000 लोग एक साथ जा कर के अभिषेक करेंगे और उसकी अगुवाई करेंगी श्रीमती पुष्पा कासलीवाल, जो प्रदीप कासलीवाल परिवार है, देव कुमार सिंह जी कासलीवाल का परिवार है, वो परिवार अगुवाई करके और 18 तारीख का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 19 तारीख दिन रविवार है। राजधानी दिल्ली के भक्तगण और अनेक स्थानों के भक्तगण आकर के भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्योपार्जन करने जा रहे हैं। 22 तारीख को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन अगुवाई करेंगी और महिला संगठन की ओर से उस दिन का अभिषेक होगा। महिलाएँ पुरुष सब लोग मिल करके 22 तारीख को वहाँ पर अभिषेक करेंगी और उसमें श्रीमती सुमन जैन प्रथम कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 25 तारीख को पूना महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे है वहाँ के भक्तगण आकर के अभिषेक करेंगे शनिवार को और उसकी अगुवाई करेंगी, प्रथम कलश करेंगी श्रीमती सुजाता साहा। 26 तारीख दिन रविवार है। मुंबई के भक्तगण आकर के अभिषेक करेंगे, अहमदाबाद के भक्तगण आकर के अभिषेक करेंगे और मुंबई समाज की ओर से अनेक भक्तगण आकर के वहाँ अभिषेक करने वाले हैं जिनकी अगुवाई करेंगे भाई जमुना लाल जी हपावत परिवार, 26 तारीख दिन रविवार का अभिषेक करने के लिए। तो इस प्रकार से तारीखें सुनिश्चित हो रही हैं और 28-29 तारीख भी सुनिश्चित हो गई है। सभी तारीखें आपको निश्चित रूप से बताई जाएंगी और इसके अलावा जो भक्तगण अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आना चाहते हैं निश्चित रूप से अपनी सूचना दें, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके द्वारा अभिषेक कराने की व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की ओर से हमारी महोत्सव समिति के द्वारा निश्चित रूप से की जाएगी। 15 तारीख से 30 तारीख तक का ये अभिषेक का कार्यक्रम घोषित किया गया है, लेकिन जिन्हें रिजर्वेशन 30 तारीख तक नहीं मिल पा रहे हैं ऐसे हैदराबाद जैन समाज से भाई विजय पाटोदी जी ने सूचना दी है कि वे 1 तारीख का रिजर्वेशन उन्होंने कराया है, 2 तारीख को पहुंचेंगे और 3 तारीख रविवार का अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी भक्त जिन्हें जो सुविधा प्राप्त हो रही है, जिस प्रकार से उनकी पारिवारिक सुविधा, सामाजिक सुविधा,
रेल आदि से आने की सुविधा हो रही है, उस प्रकार से अभिषेक कराने का उन्हें हमारा ट्रस्ट तत्पर रहेगा। ट्रस्ट की ओर से उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से सन 2016 में हजारों हजारों भक्तों ने आकर के अभिषेक किया है, उसी प्रकार से ये 2022 का प्रथम 6 वर्षीय महामस्तिकाभिषेक शानदार तरीके से संपन्न होगा। 108 फीट के भगवान दिगंबर जैन समाज को पहली बार प्राप्त हुए हैं। पूरे पंचम काल के अंदर 2600 साल के अंदर पहला अवसर प्राप्त हुआ है जो 108 फीट के भगवान बनाने का निमित्त पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी बनी और पूरे दिगंबर जैन समाज ने 1,08,000 रुपये की राशि दे करके और इस प्रतिमा का निर्माण कराया है। अर्थात जन जन की यह प्रतिमा है, पूरे जैन समाज की यह प्रतिमा है और पूरे भारत का, पूरे दिगंबर जैन समाज का गौरवपूर्ण ये प्रतिमा है। इनके मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सुयोग, सौभाग्य, अहोभाग्य अवश्य बनाए, ऐसे आपको बराबर प्रेरणा है। किसी भी राशि का एक कलश लेकर के, 5100 रुपये की राशि का भी है, 11,000 रुपये की राशि का भी है, ऊपर में 1,00,000 रुपये की राशि का भी है, जो भी राशि आप भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको निश्चित रूप से 10 गुना लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के चरणों में दिया हुआ धन राशि आपकी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये पुण्य को उपार्जन करने वाली है, कर्मों की निजरा करने वाली है, इसलिए एक कला सबसे करने का पुण्योपार्जन अवश्य करें, यही प्रेरणा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बदातना हो भगवान के मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है, बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। निश्चित ही एक न एक दिन सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पर भगवान के जन्माभिषेक का अवसर प्राप्त करते हैं, अथवा अनेक प्रकार से वसुनंदी आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो भगवंतों का अभिषेक करते हैं वो भी जो है स्वर्ग में वैभव को प्राप्त करके और देवों के द्वारा भी मान्य होते हैं और आगे जाकर के सुमेरु पर्वत पर अभिषेक प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। भव्यात्माओं, भगवंतों के अभिषेक की महिमा, लौकिक फल तो है ही है, संसार के समस्त अभिधेयों को प्राप्त कर लेना, सभी मनोरथों को सफल करना, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति करना, ये अभिषेक का साक्षात फल है, तत्कालिक फल है। इस लोक में नाना प्रकार के अभिधेयों को प्राप्त करना, सुख संपत्ति संतति की वृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी प्राप्त करना, भगवंतों की भक्ति से क्या नहीं मिलता है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारय तुम पुण्यानि च पूरय तुम दातुम मुक्तस्य कृतना। एक अकेली भगवान की भक्ति दुर्गति में जाने से रोक लेती है, पुण्य का घड़ा भर देती है और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करा